सत श्रीकाल सारू, मैं जसमीत पाठिया लैंडमार्क इमीग्रेशन तो, और अज भी आप जो आई आर सी सी का वैबीनार होया 28 अक्टूबर को जो अज ही होया, सो वो जल्द डिस्कस हुई, सो वो सारिया अज मैं स्टूडेंट्स के नाल डिस्कस करना चाहना, ताकि छिड़े की कन्फ्यूजन बनी हुई है स्टूडेंट्स के मन में उत्ते थोड़ी जी होर कलैरिटी आ सके। सो अज के भी मैं 10 से 15 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, सो पॉइंट टू पॉइंट मैं थोड़े ना डिस्कस करा की पॉइंट्स अज डिस्कस हुए आई आर सी सी के वैबीनार च, और मैं तुम्हें दसना चाहना कि कल भी कल दे की कहते हैं वैबीनार, कल फिर 29 अक्टूबर में पंजाबी वैबीनार होने वाला आई आर सी सी का, जिहड़ा स्टूडेंट्स जे तुसीं रजिस्टर करना चाहते हो तो वह लिंक कैनेडा हाई कमीशन के फेसबुक पेज और ट्विटर पर दिता गया है। सो पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करते हैं आई आर सी सी के वैबीनार का। मैं पर उस तो पहला सारे रिक्वेस्ट करना चाहवागा कि साढ़े लैंडमार्क इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल में सबसक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियोज़ जे तुम पसंद आते हैं, क्योंकि लैंडमार्क इमीग्रेशन हमेशा ही जेन्युइन इनफॉर्मेशन देने बिलीव करता, और पिछले 13 साल तो जेन्युइन इनफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारे स्टूडेंट जिन्हें साढ़े नाल जुड़े है उन्होंने एक सही इनफॉर्मेशन मिल सके। साडे ऑफिसिस मोहाली, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, मोगा, वडोदरा, चंडीगढ़ में है, तुसी जे मिलना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लैके साडे एक्सपर्ट एडवाइजर्स नूं तुसी मिल सकते हो। जे तुसी साडे नाल मिलना चाहते हो जिवें सीनियर टीम गुरप्रीत सर, होर साडे सीनियर टीम नूं तुसी मिलना चाहते हो, मेरे नाल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो बिल्कुल 9400139412 ते वट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नहीं तो info@landmarkimmigration.com ते ईमेल करके अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। जे तुसीं ऑफिसेज नहीं विजिट कर सकते तां वी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रोसैस ऑनलाइन हो सकता, साडे कोल ऑल इंडिया तो स्टूडेंट्स इनरोल होंदे है, प्रोसैस कीतियां जांदियां उन्हां दियां फाइलां, और सारा प्रोसैस ही ऑनलाइन किया जाता है। सो जो मैं कहना चाहवांगा तां कलकत्ता, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया साडे कोल स्टूडेंट्स विजिट भी करते हैं और ऑनलाइन अपनिया फाइलों प्रोसैस भी करते हैं। एंड ड्यूरिंग करोना ऑलसो वी आर ट्राइंग टू गिव बेस्ट पॉसिबल इनफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। सो फिर मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहवागा कि साडा लैंडमार्क इमीग्रेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो। शुरू करते हैं आई आर सी सी के 28 अक्टूबर में जोड़ा वैबीनार होया वो पॉइंट्स डिस्कस हुए। सो पहला पॉइंट जो डिस्कस होया दैट इज कि आई आर सी सी कह रहे हैं कि वो होर स्टाफ एड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फाइलों बहुत ज़्यादा पेंडिंग है उन्होंने काम हो सके। सो सो फॉर बैटर रिजल्ट एंड फास्टर रिजल्ट दे आर ट्राइंग टू एड मोर स्टाफ, क्योंकि कोरोना के दौरान लिमिटेड स्टाफ ना ही काम चल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एड मोर स्टाफ फॉर फास्टर प्रोसैसिंग ऑफ वीजाज, विच इज़ मैं लगता है कि जिन्हों कंप्लीटेड फाइल्स है उन्होंने पासपोर्ट स्टैम्प होने लिए होर स्टाफ की लोड़ हैगी है, क्योंकि पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट इन्नी तेजी नहीं आ रही आई आर सी सी को। सैकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अनवॉन्टेड ईमेल्स या रिक्वेस्ट तुसी आई आर सी सी नूं ना भेजो अपने जी सी की अकाउंट तो भी, ईमेल्स तो भी, बिकॉज उहदे नाल की हो रहा है कि आप इको गल आई आर सी सी नूं बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जिहड़ी कि वैबीनार के दौरान वो तुहानूं क्लीयर कर दिती गई है, जिहड़ी कोई जनरिक क्वेरी तुहाडी हैगी है वो क्लीयर कर दिती गई है। जे आप कोई अनवॉन्टेड ईमेल्स या रिक्वेस्ट जी सी की क्रिएट करते रहेंगे तो होर ज़्यादा डिले होएगा रिजल्ट के लिए, सो रिजल्ट होर डिले हो जाएंगे। तुसी जे चाहते हो कि फास्टर रिजल्ट आन और तुहाडी फाइल जल्दी जल्दी प्रोसैस होए, डू नॉट सेंड अनवॉन्टेड ईमेल रिक्वेस्ट और अनवॉन्टेड क्वेरीज टू आई आर सी सी। नैक्सट पॉइंट मैं कहना चाहवा कि जी टू वे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट हैगी है, वो तुसी अपना पासपोर्ट ता ही सबमिट करना है जे तुहानू टू वे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आती है। सो वो ईमेल ते आ रही है स्टूडेंट्स नूं या जी सी की अकाउंट में आ रही है, सो अपने जी सी की अकाउंट का ख्याल रखो या अपनी ईमेल्स नूं बार बार चैक करते रहो जे तुसी टू वे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट की लाइन हैगी और जे तुहाडी कंप्लीटेड फाइल हैगी है। सो चौथा पॉइंट, जे तुसी अपडेट्स लेना चाहते हो आई आर सी सी वालों, कैनेडा हाई कमीशन वालों, सो कहते हैं कि तुसी साडा की कहते हैं सोशल मीडिया पेज
लाइक कर सकते हो, सबसक्राइब कर सकते हो, जिथे वो रोज कोई ना कोई अपडेट स्टूडेंट वीजा पीआर टूरिस्ट वीजा लैके आईआरसीसी अपडेट कर रहा है। सो यू मस्ट लाइक द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ कैनेडा इन इंडिया करके पेज हैगा, जिहड़ा तुसी जरूर लाइक करो ताकि तुहानू आने वाले वैबिनार्स का पता लगता रहे। सानू भी उत्थों ही पता चलता है एंड असी उत्थों ही जदों पता चलता असी उस वेले वैबिनार च रजिस्टर कर लैंदे हां। जिवें कि 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर के वैबिनार च मैं परसनली अपने आप को रजिस्टर किया होया है, तो असी परसनली हर वैबिनार अटेंड करते हैं। एंड जिहड़े VFS सेंटर्स की ओपनिंग की गल हैगी है, they are saying कि they are working on it, so any update regarding that will be posted on social media, but हले VFS centers की डेट नू लेके confusion बहुत बड़ी पड़ी हुई है। अगला पॉइंट मैं 15 to 15 point डिस्कस करांगे आज दे वेबिनार दे, so मैनू पॉइंट वाइज तुसी नोट कर सकते हो जिहड़े स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं। अगला पॉइंट यह हैगा कि जिहड़ी तुहाडी सैकेंड स्टेज की प्रोसैसिंग है या तुहाडे पासपोर्ट की सबमिशन की रिक्वेस्ट हैगी है, उन्ना ही स्टूडेंट्स नू मिल सकती है जिन्हां दे कॉलेजेस COVID-19 रेडीनेस लिस्ट च हैगे आ। सो जे तुहाडा कॉलेज कोविड रेडीनेस लिस्ट च हैगा तां ही तुहानू पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी या सैकेंड स्टेज ते तुहाडी प्रोसैसिंग होएगी। नहीं तां डरन की कोई लोड़ नहीं, घबराने की कोई लोड़ नहीं, हर 2 हफ्ते च कोविड रेडीनेस की लिस्ट अपडेट होएगी और उहदे विच कॉलेजेस अपडेट होणगे। जिहड़ी अगली लिस्ट हैगी है वह 3 नवंबर नूं आने वाली है और उहदे विच सानूं उम्मीद है कि मेजर सरकारी कॉलेज सारी ही वह लिस्ट च होणगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट, मैं लगता 7वां 8वां पॉइंट होना है। इफ यू हैव नॉट अपलोडेड योर जनवरी LOA यू मस्ट अपलोड इट। जे तुसीं जनवरी लई अपना डेफर किया तो अपना जनवरी अपलोड कर दो LOA, बहुत जरूरी हैगा। जे तुसीं डेफर किया यू मस्ट अपलोड योर जनवरी LOA ऑन GCE पोर्टल जे तुसीं डेफर किया। और सपोज जे तुसीं डेफर नहीं भी किया तो भी यू शुड गिव इनफॉर्मेशन टू IRCC कि तुसीं डेफर क्यों नहीं किया। सैकेंडली इस पॉइंट नूं एक्सटेंड करदे हां मैं कहना चाहांगा जिन्हां दीआं फाइलां पेंडिंग है, सपोज तुहाडी फाइल मार्च च लगी सी, फरवरी च लगी सी, बार बार स्टूडेंट्स मैनूं पुछ रहे सर मेरी फाइल का रिजल्ट नहीं आया, सर मेरी फाइल का रिजल्ट नहीं आया, इत्थे एक क्वेश्चन मार्क बनता है। जे तुसीं जनवरी इनटेक दी LOA अपलोड करती है फिर अपनी फाइल का रिजल्ट ना एक्सपैक्ट करो, तुहाडी फाइल के उत्ते कंप्लीट प्रोसैसिंग होएगी और तुहानूं फाइनल अप्रूवल दिती जाएगी, भावें तुसीं फरवरी च अपलोड लाई सी अपनी फाइल, भावें मार्च च लाई सी। जे तुसीं जनवरी दी LOA अपलोड कर चुके हो तो यू विल नॉट बी गिवन एनी AIP, यू विल बी गिवन फाइनल प्रोसैसिंग पासपोर्ट रिक्वेस्ट आऊगी तुहानूं सीधा। सो स्टूडेंट्स बी पेशेंट, एवरीथिंग इज मूविंग स्लोली बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सही डायरेक्शन से चल रहा है सारा कुछ बट स्लोली जरूर चल रहा है। सो इस चीज़ को लैके भी क्लैरिटी जरूर करांगा पेंडिंग फाइल्स उत्ते। अगला पॉइंट है फंड्स को लैके, सो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि GIC अकाउंट एंड फुल पेमेंट तुसी जे कॉलेज की कीती हुई है देर आर नो एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड, बट जे तुसी अपने वल्लों फंड्स के डॉक्यूमेंट लाना चाहते हो इट विल इंप्रूव योर प्रोफाइल। सो जिवें इस चीज़ के उत्ते ये तुलना बनती है कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहवागा कि कंसल्टेंट्स भी है, एजेंट्स भी है, जो स्टूडेंट को गाइड कर देंगे कि 15 लाख रुपया फंड शो करन की लोड़ हैगी है कैनेडा विच, तो मैनू बहुत बुरा लगता क्योंकि इदा की कोई भी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। वट एवर योर बैंकिंग इज, चाहे तुहाडी फाइल च पैसे तुहाडे बैंक च पैसे आते जाते रहते हैं, तुहानू कोई इनकम हैगी है, यू कैन पुट दैट फाइल, बट देर इज़ नो रिक्वायरमेंट इदा की कितने भी नहीं लिखा कि 15 लख 10 लख अपने बैंक च होना जरूरी है। सो हाई कमीशन का कहना जो GIC पे किया और पूरे साल की फीस दी है दैट इज ऑलमोस्ट सफिशेंट, बट टू इंप्रूव योर फाइल यू कैन पुट अप एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इफ यू विश टू। अगला पॉइंट है कि वीजास कदों आने शुरू होंगे, फुल अप्रूवल्स कहरा दीतियां कदों आनियां शुरू होंगे। सो दे आर सेइंग देयर आर डिलेज फॉर वीजा प्रोसैसिंग, एक तो स्टाफ की कमी होने करके वीजा ते डिलेज हैगे हैं, दूसरा बॉर्डरस के ओपन होने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं उस करके भी थोड़ा जहा डिले बनिया हुआ है। सो इन सारिया चीज़ों को लैके प्रोसैसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सो स्टूडेंट्स डू नॉट वरी, जे तुसी अपकमिंग इनटेक लिए अपनी फाइल लॉज करना चाहते हो, उन्होंने कहा यह भी नैक्सट पॉइंट से मेरा, तो जनवरी मई इनटेक दियां फाइलां जिन्नी जल्दी तुसी लॉज करोगे उन्ना वधिया है। सो
स्टूडेंट्स जे तुहानू रिफ्यूजल आई है इहदे ते भी मैं कल भी डिस्कस कीता सी अज फिर डिस्कस करांगा आपां रीफाइल कर सकदे आं अपनी फाइल च इंप्रूवमेंट लिया के सो ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू गो फॉर बायोमेट्रिक्स मेरे सुनने च भी आया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैनू भी अप्रोच कीता कि सर सानू कोई एजेंट कह रहा है कि ETA इशू होणगे दैट इज ऑल फेक न्यूज डू नॉट लिसन टू फेक न्यूज देयर विल बी नो ETA इशूड फॉर इंडिया बायोमेट्रिक्स तो बिना तुसी ट्रैवल नहीं कर सकोगे आई डोंट नो कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट करनी चाहेगा कैनेडा कि नहीं चाहेगा क्योंकि जे चाइना भी ETA कंट्री च नहीं आता इंडिया भी ETA कंट्री च नहीं आता एशिया विच कोई भी कंट्री ETA कंट्री च नहीं आता सो ETA दा मतलब होंदा कि तुहाडे कोल पासपोर्ट हैगा ऑनलाइन आपां इनफॉर्मेशन भरी एक ETA दा प्रिंट आउट लिया असीं कैनेडा जा वड़ीए इदा नहीं हो सकता सो ETA कंट्री लिस्ट आना बहुत औखा है बायोमैट्रिक्स आर कंपलसरी जे तुसी अपना वीजा स्टैंप करवा के ही कैनेडा जा पाओगे ETA बेस ते कैनेडा नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत सारी न्यूज फ्लोट करती है यूट्यूब ते अज IRCC दे वेबिनार च एक क्लैरिटी हो गई और पूरी क्लैरिटी हुई है सो PTE दे उत्ते ए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अज डिस्कस होया वेबिनार च PTE इज एक्सेप्टेबल अपना लॉगिन पासवर्ड ना दियो SOP च ना लिखो पर अपनी PTE दा रिजल्ट तुसी IRCC नूं जरूर भेज सकदे हो जिहड़ा तुसी PTE दे पोर्टल तो रिक्वेस्ट करके भेजना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट PTE इज एक्सेप्टेबल इत्ते फुल क्लैरिटी हैगी है IRCC दी वैबसाइट ते जिहड़ी स्लाइड वेबिनार से जी स्लाइड उन्होंने दिखाई उदे विच भी PTE एक्सेप्टेबल हैगा वो स्लाइड तुसी साडे तो लेना चाहते हो तो असी तुहानू WhatsApp भी कर सकते हैं सो न्यू LOA बहुत इंपॉर्टेंट है अपलोड कर देनी है एज सून एज पॉसिबल क्वारंटीन प्लान उत्ते काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन हैगा सी कि क्वारंटीन प्लान मैं अपना ले सकता सैल्फ क्वारंटीन सो उन्होंने कहा कि साडा क्वारंटीन प्लान च कोई भी लेना देना नहीं हैगा क्वारंटीन प्लान विल बी असैस्ड बाय CBSA ऑफिसर कैनेडा बॉर्डर सर्विस एजेंट तुहाडा असैस करेगा क्वारंटीन प्लान एंड इफ ही इज कन्विंस्ड दैन ओनली दे विल लेट यू एंटर कैनेडा So I will suggest all students to take COVID readiness plan from the college itself ताकि CBSA तुहानू वापस ना मोड़ सके एक होर बहुत बड़ा पॉइंट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि साडा IELTS एक्सपायर हो गया बट असी फाइल सबमिट 6 महीने पहला कीती सी इत्ते फुल क्लैरिटी आ चुकी है जे तुहाडा IELTS एक्सपायर हो गया डरन की कोई लोड़ नहीं जिदन तुसी फाइल सबमिट कीती सी उदन का रिजल्ट वैलिड मनिया जाएगा और उस रिजल्ट को देखद फाइल से रिजल्ट दिता जाएगा सो जे IELTS एक्सपायर हो गया तो चिंता करने की लोड़ नहीं हैगी फाइल अंबैसी च है नो प्रॉब्लम जिदन तुसी फाइल सबमिट की उदन का IELTS रिजल्ट वैलिड मनिया जाएगा सो स्टूडेंट्स कल भी वैबिनार है मैं कल फिर वीडियो बनावगा सो अज के वैबिनार 15 पॉइंट जो मैं बनाए थे वो मैं थोड़े नाल डिस्कस किए और जे तुहानू वधिया लगता है साडे वीडियोज़ तां काइंडली लाइक अस और साडे वीडियो शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक सही इनफॉर्मेशन पहुँच सके और जिहड़ी गलत इनफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है उन्हों रोकिया जा सके लास्ट पॉइंट मैं ऐड जरूर करना चाहवागा एक स्टूडेंट्स जिन्होंने AIP आया होया मार्केट में ये इनफॉर्मेशन भी फ्लो की कि जे तुसी डैफर ले लिया तो तुहानू रिफ्यूजल मिल जाएगी ये सरासर गलत है जे तुसी डैफर ले लिया रिफ्यूजल नहीं मिलेगी तुहानू पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ सकती है AIP मिलिया तो तुसी डैफर ले सकते हो तुहानू सीधी रिफ्यूजल नहीं मिलेगी ये क्लैरिटी IRCC दे अज दे वैबिनार और कल दे वैबिनार च जरूर होई और हुण जिहड़ा कल दा वैबिनार होएगा उहदे बारे 3 बजे आपां लाइव जरूर देखांगे 3 बजे लाइव साडा जरूर देखियो कल दे वैबिनार दे उत्ते डिस्कशन करांगे जिहड़ा कि पंजाबी च हो रहा है स्पैशली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स लई धन्नवाद तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो और साडे नियरेस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हो थैंक यू